कुछ भी संबंध नहीं नहीं जड़ मोकी आज उड़ाने आया हूँ कर रास सब जग भर से अब से शरण में मैं आया विषय भोग भोगों में मानस रमा रहा नित नई लाल साएं जागी तन मैं ओन में समा रहा दादा दीदी बाब किए जितने फुलता उनका फल पाया वो करने रात भरते अब से दशरण में मैं आया ओम रिम श्री सत्य जगत प्रसिद्ध भजन मोक्ष तप है परम पाम तुषा चंदन चर्चा मालाए सुरभित सुमनो की तंदुल से ये व्यंजन दीपावलियों के रत्नों की सुरभि दोपायन की पहली शुभ कर्मों का सब फल फिर भी बनी रही क्या कारण जान नहीं पाया अब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर मुझको स्वभाव का भान हुआ सुख नहीं विषय भोगों में है तुमको लख यह सद ज्ञान हुआ है यही भावना है स्वामी तुम समय अंतर दृष्टि हो है यही भावना है स्वामी तुम समय अंतर दृष्टि हो जल से फल तक का वैभव है मैं आज त्यागने हूँ आया कर निरास सब जग भर से अब से दशरण में मैं आया यही भावना है स्वामी तुम समही अंतर रहती हो यही भावना है स्वामी तुम समही अंतर रहती हो अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। बहुत ही सुंदर पूजन यहाँ पर हम सभी अभी कर रहे हैं। जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुमको नहीं दिखे पर आकर प्रकटित हो और आत्मस्वरूप का दर्शन हो इस मंगल भावना से हम सभी यहाँ पर सिद्ध भगवंतों को अर्घ समर्पित कर रहे हैं। हाँ जी ओम रेम से सिद्ध चक्राधिपते सिद्ध परमेष्ठ ने डाउन जो कि आज हमारे साथ इस सोन क्षेत्र के आमंत्रण कर्ता के रूप में है उनके भाव विचार भी हम जानेंगे। आइए सुंदर भक्ति के माध्यम से जयमाला पाठ प्रारंभ होता है। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे चिद गण उत्कर्ष तुम्ही मेरे अविरोध शोध चिद गण
अदर्श तुम्ही मेरे अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे रागादि रहित निर्मल जन्मादि रहित अविकल रागादि रहित निर्मल जन्मादि रहित अविकल कुल गोत्र रहित निष्कुल मायादि रहित निश्चल कुल गोत्र रहित निष्कुल मायादि रहित निश्चल रहते निज में निश्चल निष्कर्म साध मेरे अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे ओ आलोकित हो लोक में प्रभु परमात्म प्रकाश आनंदामृत पान कर मिटे सभी की प्यास हे गुण अनंत के धाम वंदन अगणित मेरे हे गुण अनंत के धाम वंदन अगणित मेरे अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही जय बोले शास्त्र नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। और अभी इस समय हमारी जूम आईडी पे जो लोग जुड़े हुए हैं 123 123 आपको देखकर याद आता होगा ये 123 की संख्या क्या है। इस पंचम काल में लोग कहते हैं मुक्ति नहीं होती लेकिन इस भरत क्षेत्र के 123 जीव अभी भी मोक्ष जा सकते हैं विदेह आदि क्षेत्र से वह संख्या है। और लगभग मुझे मैं मानता हूँ क्योंकि आज नेटवर्क और भी व्यवस्थाओं के कारण अन्य लोगों को व्यवधान हुआ होगा यूट्यूब भी लेट चालू हुआ था तो कुछ लोगों को लगा पूजा है कि नहीं है लेकिन भक्ति भाव पूर्वक हम सभी यह मंगल पूजन कर रहे हैं और निश्चित ये भावना भाते हैं 6 महीने 8 समय में जो 608 जीव मुक्ति प्राप्त करते हैं हम वही जीव हैं जो अपने आत्म कल्याण की भावना से उस महादुख सागर निगोद से निकले थे। आज सिद्ध क्षेत्र की पवित्र धरा पर सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की इस पवित्र भूमि पर बैठे हैं और अल्प काल में सिद्धालय में भी विराजमान होंगे। हाँ जी जोरदार जयकार के साथ आप अनुमोदना करें। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। जय बोलिए सिद्ध क्षेत्र सोना गिर जी की जय हो। और आइए भाई ऋषभ जी यहाँ जयमाला पाठ प्रारंभ करेंगे। सचिन जी के माध्यम से आप स्पॉटलाइट पे रहेंगे तो दर्शन का लाभ पूरा पूरा आपको प्राप्त होता रहेगा। पूजन की जो जयमाला है आप पुस्तक में से देखें और बीच बीच में हम आपको पुस्तक शेयर भी करेंगे। जाग है पुण्य महान प्रभु वर भक्ति करो जाग है पुण्य महान प्रभु वर भक्ति करो प्रभु गुण गान प्रभु वर भक्ति करूं ओ गाऊं प्रभु गुण गान प्रभु वर भक्ति करूं जागा है पुण्य महान प्रभु वर भक्ति करूं जागा है पुण्य महान प्रभु वर भक्ति करूं आ ओ 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
एक स्वरूप तुम हो अनंत चैतन्य रूप तुम हो आनंद आनंद पिंड मोहारी दलन को तुम प्रचंड रागादी विकारी भाव जार तुम हुए निरामय निर्विकार निर्द्वंद निराकुल निराधार निर्मम निर्मल हो निराकार नित करत रहत आनंद रात का भाविक परिणति मैं विलास प्रभु शिव रमणी के हृदय हार नित करत रहत निज में विहार प्रभु भव दधियह गहरो अपार बहते जाते सब निराधार निज परिणति का सत्यार्थ भान शिव पद दाता जो तत्व ज्ञान पाया नहीं मैं उसको पहचान उल्टा ही मैंने लिया मान चेतन को जड़ मैं लिया जान थन में अपना पा लिया मान राग जो दुख कान उनमें माना आनंद महान प्रभु अशुभ कर्म को माने माना पर शुभ को पादे वो धर्म ध्यान आनंद रूप उसको माना मैं दुख स्वरूप मन वांछित पाहे नेत भोग उनको ही माना है मनोज्ञ इच्छा निरोध की नहीं चाह कैसे मिटता हव विषयदार आकुलता मैं संसार शोक जो निश्चय से है महादुख उसकी ही निशदिन करी आस कैसे कटता संसार पास भव दुख का पर को हेतु जान पर से ही सुख को लिया मान मैं दान दिया अभिमान कान उसके फल पर नहीं दिया ध्यान पूजा कीनी वरदान मांग कैसे मिटता संसार स्वांग तेरा स्वरूप पलक प्रभु आज हो गए सफल संपूर्ण काज मोर पगटो प्रभु वेद ज्ञान मैंने तुमको लीना पहचान तुम पर के करता नहीं नाथ ज्ञाता हो सबके एक साथ तुम भक्तों को कुछ नहीं देते अपने सम मान बस बना लेत यह मैंने तेरी सुनी आन जो ले बे तुमको बस पहचान वह पाता है केवल ज्ञान होता परिपूर्ण कला निदान विपदा मैं पर पद है निकाम निज पद ही है आनंद धाम मेरे मन में बस यही चाह निज पद को पाऊं हे जिनाह अरे होए मोह की हान होए मोह की हान होए मोह की हान होए मोह की हान जागा है पुण्य महान प्रभु अर भक्ति करो जागा है पुण्य महान प्रभु अर भक्ति करो एक बार हाथ ऊपर करके अपने अपने हाथ ऊपर करें 1 2 3 1 दर्शन पा जाऊं गुण अनंत में कैसे पाऊं अनुभव में अनंत लताऊं होए मोह की हार
होए मोह की हार, होए मोह की हार, होए मोह की हार, गागा है पुण्य महान, रघुवर भक्ति करो, जागा है पुण्य महान, रघुवर भक्ति करो, प्रभुवर भक्ति करूं। ओम ह्रीम श्री सिद्ध चक्राधिपते सिद्ध परमेष्टिने अनर्पत प्राप्ताय जयमाला पूर्णार्घं निर्वपामिति स्वाहा। और मैं आमंत्रित करूंगा आज के हमारे आमंत्रण कर्ता श्री प्रदम कुमार जी साहब पहाड़िया इंदौर से, उनके माध्यम से इस सुंदर क्षेत्र की मंगल दर्शन का लाभ हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। उनकी मंगल भावना से आज हम यहाँ पर है, आइए उनके विचार जानेंगे। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर आती है। बंधुवर, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि छिंदवाड़ा की ये टीम आज साक्षात अपने प्रत्यक्ष रूप से सोनागिर जी के जिन मंदिरों का दर्शन कराकर पूजन का लाभ प्राप्त करा रही है। सहजी ये संयोग बना, इनकी टीम तीन चार दिन से मंगलायतन में विधान के आयोजन के लिए पधारी थी। सहजी मेरे मन में विचार आया और उनकी भी भावना हुई कि सोनागिर जी के भी दर्शन करें और वहां पूजन बंधन का लाभ पूरे मुमुक्षु समाज को देवें। सहज स्वीकृति प्रदान की, मैं टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और बहुत बहुत मेरे को इनका बहुमान आता है इस टीम का कि देश के इतने मंदिरों को शायद आप गिनती करने में भी करेंगे तो भी आप सक्षम नहीं पा पाएंगे अपने आप को। कहाँ कहाँ से इन मंदिरों को खोज खोज कर अपने अतिशय क्षेत्रों का और जिन मंदिरों के दर्शन कराए हैं, बड़ा बहुमान आता है इस टीम का। मैंने तो एक बार पुनः भी बोला था कि इस टीम से कि भैया हमारे को कम से कम देश के किन किन मंदिरों के और अतिशय क्षेत्रों सिद्ध क्षेत्रों के आपने दर्शन कराए हैं उसका हमको कम से कम नाम तो मालूम पड़े, हम तो भूल जाते हैं। ये टीम तो सतत 200-300 दिनों से लगातार, एक साल करीब होने आया है, टीम लगातार अपने को मार्गदर्शन के रूप में दर्शन वगैरह करा रही है, किंतु हम लोग तो कभी जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं, अपने को तो लोग के काम आ जाते हैं, किंतु इनका तो एक बिल्कुल 7 से 9 बजे तक और उसके बाद प्रवचन लाभ दे रहे हैं, ये बड़ा हम सौभाग्य है। मैं सोनागिर के ट्रस्ट की ओर से मैं इनका बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि यहाँ पधार के इन्होंने लाभ दिया। इनको शीघ्र ही छिंदवाड़ा के लिए रवाना होना है और ये रात तक पहुंचेंगे, मैं इनका विलंब नहीं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय पदम जी साहब को, जिनका बहुत स्नेह वात्सल्य पूर्ण सहयोग सदैव हमारा रहता है, हमारे साथ में रहता है, और हम सभी को यहाँ सुंदर क्षेत्र के दर्शन का लाभ भी प्राप्त हुआ। आइए, सोनागिर क्षेत्र पर है 2 पंक्तियों के साथ सोनागिर क्षेत्र के समस्त वीतरागी और नंग अनंग कुमार मुनि भगवंतों को और 5.5 करोड़ मुनि भगवंतों को अर्घ अर्पित करेंगे। सिद्ध क्षेत्र के तले सिद्ध प्रभु से मिले, सिद्ध क्षेत्र के तले सिद्ध प्रभु से मिले, निज अनुभव रस पान करे हो, निज अनुभव रस पान करे। आओनी भविजन, आओनी भविजन। यदि दुख से परिमुक्ति चाहो, यदि दुख से परिमुक्ति चाहो तो सामान्य स्वीकार करो, तो सामान्य स्वीकार करो। ओ इंद्र सुख तो सदा दुखमय, इंद्र सुख तो सदा दुखमय, अब इनका परिहार करो, अब इनका परिहार करो। भवसागर से पार चलो, अब भवसागर से पार चलो। क्षण भर में, क्षण भर में निज अनुभव रस पान करे। आओ नी भविजन, आओ नी भविजन।
को सोना गिर पर्वत का दर्शन पूजन महासौख्य दाता सोना गिर पर्वत का दर्शन पूजन महासौख्य दाता श्री मुनि पद चिन्हों पर चलने वाला महामोक्ष पाता वाला महामोक्ष पाता सागर के पार चलो अब भव सागर के पार चलो भव सागर के पार चलो अब भव सागर के पार चलो क्षण भर में निज अनुभव रस पान करे आओ नी भविजन आओ नी भविजन आओ नी भविजन आओ नी भविजन। हाँ जी, भाव रूप से अर्घ समर्पित करेंगे हम सभी। यहाँ पर आप क्षेत्र के दर्शन का लाभ प्राप्त कर रहे थे। ओम रीम श्री सोनागिर सिद्ध क्षेत्र भयो अनर्पद प्राप्ताय समस्त वीतरागी मुनि भगवंतो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवंत जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। 24 तीर्थंकर भगवंतों को अर्घ समर्पित करते हैं। जल फल आठो सुचि सार ताको अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरी मोक्ष वरो श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत हरत भव फन पावत मोक्ष मई। ओम रीम श्री अनर्पत प्राप्त है अर्घम निर्पहमति स्वाहा। हमारे भाई सचिन जी पार्श्वनाथ भगवान के जन्म मंदिर पर पहुंच गए हैं और दर्शन करते हुए आइए पार्श्वनाथ भगवान को हम सभी अर्घ समर्पित करेंगे। नीर गंध अक्षतम सु पुष्प चारु लीजिए दीप धूप शीपला दि अर्घ तेज जीजिए पार्श्वनाथ देव से आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्पत प्राप्त है अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जबले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। इस अर्घ का क्या मूल्य है अनर्घ पद के सामने उस परम पद को पा लिया है अतित पावन आपने संतप्त मानस शांत हो इनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। ओम रीम श्री महावीर जिनेन्द्राय अनर्पत प्राप्त है अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। और इस तरह से बहुत ही सुंदर क्षेत्र के हमने यहाँ दर्शन किए समुच्चय महार्ग के माध्यम से। अभी इस क्षेत्र के समस्त वितरागी भगवंतों को अर्घ समर्पित करेंगे। मैं देव श्री अरहंत पूजो सिद्ध पूजो चावसो आचार्य श्री उवजाय पूजो साधु पूजो भावसो अरहंत भाषित बेन पूजो द्वादश अंग रची गणि दिगंबर गुरु चरण शिव हे सब आसानी सर्वज्ञ भाषित धर्म दस विधि दया मैं पूजो सदा जज भावना सोडस रतनाथ जा बिना शिव नहीं कदा लोक के कृत्रिम आकृत्रिम चैत चैत्यालय जजू पंचमेरु नंदीश्वर जिनाल कचर सुर पूजित भजो कैलाश सिर संदेद गिर गिरनार में पूजो सदा चंपापुरी पावापुरी उन्हीं और तीरथ सर्वदा चौबीस सिर जिन राज पूजो बीस क्षेत्र विदेह के नामावली एक सहस वसुजय होय पति शिव देह के जल गंगा क्षत पुष्प चरो दीप धूप फल लाय सर्व पूज पद पूज हो गौ विधि भक्ति बढ़ाय सर्व पूज पद पूज हो गौ विधि भक्ति बढ़ाय।
ओम रीम श्री भाव पूजा भावना त्रिकाल पूजा त्रिकाल वंदना करवी करावी भावना भावी श्री रंत जी सिद्ध जी आचार्य जी उपाध्याय जी सर्व साधु जी पंच परमेश्वरेभ्यो नमः प्रथमानियोग करणानियोग चरणानियोग द्रव्यानियोग नमः दर्शन शुद्धादि षोडश कारणेभ्यो नमः उत्तम क्षमादि दशलक्षण धर्मेभ्यो नमः सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्रेभ्यो नमः जल विषय थल विषय आकाश विषय गुफा विषय पहाड़ विषय नगर नगरी विषय कृत्रिम कृत्रिम जिनमेभ्यो नमः विधि क्षेत्र विद्यमान बीसतीतंकरेभ्यो नमः पांच भरत पांच ऐरावत दस छेद संबंधी तीस चौबीस के सात सौ बीस तीतंकर भ्यो नमा नंदीश्वर दीप संबंधी बावन जिन चैत्यालय भी नमा पंचमेरु संबंधी अस्सी जिन चैत्यालय भी नमा श्री संबेशकर कैलाशगिरी गिरनार पावापुर गिरनार तीर्थंकर सिद्ध क्षेत्र भ्यो नमा पावागढ़ तुंगगिरी गजपंथ मुक्तागिरी सिद्धवरकूट ऊन बड़वानी पावागिरी कुंडलपुर सोनागिर राजगृही मंदारगिरी द्रोणगिरी आहार जी आदि समसिद्ध क्षेत्र भ्यो नमा जैन बद्री मूल बद्री मंदारगिरी द्रोणगिरी आर जी आदि अच्छा क्षेत्र भ्यो नमः श्री समस्त तीर्थंकर पंच कल्याणक तीर्थ क्षेत्र भ्यो नमः श्री गौतम स्वामी श्री कुंद कुंद आचार्य एवं चारण रिद्धिधारी सप्त परम ऋषि भ्यो नमः इति उपर्युक्त सर्वेभ्यो मार्गम निर्वपामिति स्वाहा। और आवश्यक सूचना आप ये देखेंगे भाई सचिन जी चूंकि आगे बढ़े हैं यात्रा पे, हम लोग अभी 57 नंबर के जिन मंदिर पे हैं और वह आगे की तरफ दर्शन आपको करा रहे हैं। यहाँ पर शांति पाठ के उपरांत हम सभी इसी सचिन जी के मोबाइल से भी जुड़े रहेंगे और मेरे मोबाइल से, और जितने भी जिन मंदिरों के दर्शन अभी हमें नीचे उतरते तक और तलहटी में भाई सचिन जी के उससे होंगे सभी दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। और इस तरह से फिर हम यहाँ से सोनागिर से अपने गृह नगर छिंदवाड़ा की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। रात्रि में चूंकि हम विलम्ब से पहुंचेंगे, अभी हमारा लगभग 550 किलोमीटर का सफर बाकी है, तो रात्रि का स्वाध्याय आप सभी अपना अपना आराधना करें, हम भी यात्रा आराधना पूर्वक करेंगे। कल प्रातः काल पुनः एक मंगल तीर्थ वंदना के साथ हम इसी उत्साह के साथ जुड़ेंगे। जिन किसी को भी आमंत्रित कर्ता बनने का भाव हो वो व्हाट्सएप पे हमें अपना नाम प्रेषित करेंगे, तो कल के आमंत्रण कर्ता के लिए 210वीं मंगल तीर्थ वंदना कल हम आगे की ओर करेंगे। आइए पढ़ते हैं शांति पाठ भगवंतों के दर्शन करते हुए। शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति चक्री करें, हम सार के लघु पुरुष कैसे यथा विधि पूजा करें, धन क्रिया ज्ञान रहित न जाने रीति पूजन नाथ जी, हम भक्ति वस्तु में चरण आगे जोड़ लीने हाथ जी, हरण मंगल करण आशा मरण जिन पूजा से, जो चेत में श्रद्धान मेरे भक्ति है स्वयं वही, तुम सार के दाता पाए काज लघु जाचों का, मुझे आप सम कर ले हूँ स्वामी यही एक वांछा महान, संसार भीषण विपिन में बस कर मिल आता पियो, आकुलित चित है शांति फल कौ नारियो, तुम मिले शांति स्वरूप शांति सुकरण समरत जगपति, सुधर्म मेरे शांत कर दो शांति मय पंचम गति, तब लो नहीं शिवलहू तब लो दे नर पावना, रत संग शुद्धा चरण अभ्यास आत्म भावना, अनंतानंत काल गयो रुलत जग जाल में, अब शरण आयो नाथ युग कर जोड़ नावत भाल, हर कर प्रमाण के मानते गगन नपे के मान, जो तुम गुण वर्णन कर कभी पावे नहीं। पुष्पांजलि छिपे सभी लोग ओंकार मंत्र के स्मरण पूर्वक काय उत्सर्ग करें। ज्ञान तो अज्ञान तो वापि शास्त्रोतम न कदम मया तत्सर्पूर्ण में वास्तु तत्प्रसाद आजनेश्वर, आह्वानम नैव जानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वरम, मन्त्रहीनम क्रियाहीनम द्रव्यहीनम तथैव च तत्सर्व क्षमतां देव रक्ष रक्ष आजनेश्वर, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम, सर्वमंगलमंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम।
जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवंतों की जय हो। जय बोलिए नंग अनंग कुमार आदि 5.5 करोड़ मुनि राजों की जय हो। जय बोलिए सोना गिरजी सिद्ध क्षेत्र की जय हो। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध भगवंतों की जय हो। जय बोलिए जैन धर्म की जय हो। भाई ऋषभ सचिन जी अभी आपको स्पॉटलाइट पे लिए हुए हैं। हाँ हमसे जुड़े रहिए आप जब तक हम यहाँ पर हैं। और हाँ जी जब तक हम यहाँ पर हैं आपको यहाँ के दर्शन जितना भी संभव होंगे अधिक से अधिक जिन मंदिरों के दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। और जैसे ही नेटवर्क आदि गया तो आप समझ लीजिएगा कि उसके बाद में हम सभी यात्रा के लिए आगे चल पड़े हैं। इसलिए अभी तो आप लाभ लीजिएगा। मैं भाई सचिन जी के मोबाइल को स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। अरे हंतों की जय जय गाते चलो, अरे सिद्धों की जय जय गाते चलो, जय गाते चलो गुनगुनाते चलो, जय गाते गुनगुनाते चलो, अरे हंतों की जय गाते चलो, सब सिद्धों की जय जय गाते चलो, आचार्यों की जय जय गाते चलो, आचार्यों की जय जय गाते चलो, जय गाते चलो, राजों की जय जय गाते चलो, जय गाते चलो गुनगुनाते चलो, जय गाते चलो गुनगुनाते चलो। जय गाते सोनागिर जी सिद्ध क्षेत्र की जय हो। नंग नंग कुमार आदि समस्त मुनिराजों की जय हो। इस तरह से भाई सचिन जी के कैमरे से आप सभी जुड़े रहें और अनेक वीतरागी मंदिरों के दर्शन का लाभ सोनागिर जी का आप करते रहें। यहाँ से हम सभी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाई सचिन जी दर्शन करा रहे हैं आपको। बोलो चंद प्रभु भगवान की जय हो। सचिन जी बीच बीच में परिचय भी कराते जाएं मंदिरों के। कहां तक आप पहुंच गए हैं अभी? मंदिर नंबर 76 पर अभी हैं। यहां पर प्राचीन प्रतिमाएं संभवतः यहां पर मिली होंगी। कुछ खंडित प्रतिमाएं हैं, कुछ मंदिरों के स्तूप आदि हैं। यहां पर लोगों को एक गैलरी के तौर पर यहां पर सामने रखा गया ताकि सभी अपनी प्राचीन संस्कृति देख सकें। जी हाँ बहुत सुंदर ऐतिहासिक यह जैन प्रतिमाएं निश्चित ही जैन शासन की प्राचीनता की उद्घोषक यह जैन प्रतिमाएं। अभी मैं इस समय हूँ 57 नंबर मंदिर पर 24 तीर्थंकर भगवंतों के मंगल दर्शन वर्तमान कालिक 24 तीर्थंकरों के दर्शन हम सभी यहाँ कर पा रहे हैं। भाई सचिन जी के माध्यम से भी आप बहुत प्राचीन मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। हाँ जी सचिन जी आगे की तरफ आप बढ़े, हम लोग भी आगे यात्रा करते हुए आपके पीछे पहुंचते हैं। जय बोलिए विमलनाथ भगवान की जय हो। जय बोलिए अनंतनाथ भगवान की जय, धर्मनाथ भगवान की जय हो। हाँ सचिन जी आप जिस मंदिर में पहुंचते हैं उसका विषय भी। हाँ मैं चंद्र प्रभु भगवान के मंदिर में आता हूँ।
मूल रूप से जो खड़गासन प्रतिमा चंद्रप्रभ भगवान की है, इसके अलावा उनके लेफ्ट साइड में आदिनाथ भगवान और यहाँ पर राइट में महावीर भगवान की प्रतिमाएं हैं। बोलो आदिनाथ भगवान की जय हो, बोलो महावीर भगवान की जय हो। हाँ जी, और इस समय मैं भी यहाँ पर हूँ बहुत ही सुंदर समूह शरण के अंदर जिन मंदिर में जो लोग देख रहे होंगे शरण के दर्शन का लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। लोका लोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, लीन रहे निज शुद्धातम में प्रतिक्षण हो आनंद महान। ऐसे भगवंतों के समूह शरण के मंगल दर्शन का लाभ। सुंदर कांच से जुड़ित यह जिनालय और इस जिनालय में आपको चारों तरफ सुंदर जैन दर्शन के चित्र पटों के माध्यम देवी मानतों में से कह सकते हैं यह बोल जो कि जैन शासन का गौरव गाथा बताती है। और आइए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। हाँ जी, मानसम को हम यहाँ आ गए चतुर्मुखी नंबर के मंदिर भक्ति सहित में महावीर भगवान का मंदिर है। तो महावीर भगवान की जय। मंगल का ज्ञान कोई निर्माण प्रतिमा यहाँ पर भगवान है। ओम अभी सचिन जी के माध्यम से आप देखेंगे और भी चित्रों के दर्शन। हाँ जी, और भाई त्रिशर जी जो कि हमारे संग नायक भी हम कह सकते हैं आ गए हैं अंदर चंद्र प्रभु भगवान के जिन मंदिर के दर्शन हम सभी ने यहाँ पे किए। और आइए आगे की ओर बढ़ेंगे शीर्ष जिनालयों की मंगल वंदना करते हुए हम इस यात्रा को आगे की ओर लेकर चलते हैं हमारी 210वीं तीर्थ वंदना की ओर। भाई सचिन जी जिस जिनालय में पहुंचेंगे आगे आपको वहां के भी दर्शन का लाभ प्राप्त होता रहेगा। आई आई अंतर में सिद्धों की महिमा, आई आई अंतर में ज्ञायक की महिमा, उछले है आनंद हेलो प्रभु मरा नाच रहा मन मोर, प्रभु मरा नाच रहा मन मोर। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक भव्य द्वार चंद्र प्रभु द्वार। हम यहाँ से अपनी वंदना प्रारंभ की थी प्रातः लगभग 6:30 बजे और मैं लगभग पूरे 77 मंदिरों के दर्शन इस पूरे पर्वत से करते हुए इस द्वार से यहाँ पर वापस आया हूँ। और अब मैं यहाँ पर नीचे जो अन्य मंदिर हैं 28 मंदिर नीचे भी हैं, मैं वहाँ पर भी आपको लेकर दर्शन कराता हुआ चलता हूँ। हाँ जी सचिन जी, आप आगे बढ़े, हम बीच बीच में आपस में जुड़े रहेंगे जिसका नेट महावीर प्रभु भगवान आयो दर्शन को, मारी विनती सुनो भगवान आयो दर्शन। यहाँ तलेटी में जो मंदिर है मैं उनके दर्शन आपको प्रभु भगवान आयो दर्शन को, वीर प्रभु भगवान आयो। यहाँ थोड़ा सा गहन अंधकार है इसलिए मैं अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि देंगे बहुत ही सुंदर एक खड़गासन प्रतिमा तीन परकोटे के अंदर यहाँ से आपको कुछ दिखाई पड़ती होगी। आइए आगे की ओर यात्रा में हम चलते हैं और यहाँ बहुत ही सुंदर अभी दर्शन हमें मिलेंगे। ये देखिए हमारा जो जिन मंदिर है समावित बोलो चंद्र प्रभु भगवान की जय हो।
हाँ जी सचिन जी तलहटी की ओर पहुंच रहे हैं और अभी हम 61 नंबर के हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु जो कि पधारे उनके भी दर्शन इस सुंदर क्षेत्र सोनगर में करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। जय नेमिनाथ भगवान की जय। और यह प्राचीनता की उद्घोषक है, प्रतिमा में आप देख रहे होंगे, हमें ऐसा लगता है अवधारणा इतनी छोटी है, यह पुरानी ही कला है। लगभग अनेक सिद्ध क्षेत्र और अक्षय क्षेत्रों पर जो बहुत प्राचीन प्रतिमाएं हैं उसमें इस तरह की मूर्ति कला का दर्शन हम सभी को होता है, यह इस क्षेत्र की ऐतिहासिकता को बताती है। आइए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। 62 नंबर का जिनालय। जय बोले तो आप अवश्य हमें भगवान महावीर स्वामी की खड़गासन प्रतिमा। तो मेरो साचो सती रे मेरो महावीर है, मेरो साचो सती रे मेरो महावीर, मेरो सुख दाता रे मेरो महावीर है, मेरो सुख दाता रे मेरो महावीर है, मेरो प्रभु है महा त्यागे गाऊं गुणगा, मेरो महावीर है बोलो महावीर की जय। और इस तरह से यह 62 नंबर जना चारों तरफ जहां भी देखते हैं सिर्फ मंदिर क्षेत्र का नाम सोनागिर भी, मानो यहां पर चंद्र प्रभु भगवान की दिव्य ध्वनि में अमृत वृष्टि हुई हो। और कहते हैं यह जगह जो थी इसके ऐतिहासिक ता के अनुसार ये बात भर्तृहरि और जुड़ी हुई है, यहां पर ध्यान कर रहे थे। हम आते हैं पार्श्वनाथ भगवान के जिन मंदिर में, मैं आगे इस क्षेत्र की थोड़ी जानकारी भी आपको दूंगा। ओम निर्वाणमिति स्वाहा, जयकार करें हम सा हो पार्श्वजनेश्वर तेरे, आन की जय हो। और आप एक बार वापस देखना चाहें तो देखिए बहुत ही सुंदर भव्य जिनालय जहां से हम यात्रा करके आगे आ रहे हैं। आयो आयो पंच कल्याण तुभ विजन आ जाओ, खुला है आज मुक्ति का द्वार। भाई सचिन जी जब आप मंदिर में पहुंच जावे तो मुझे विराम दे दीजिएगा और आप आपका हाँ। कैमरा ऑन कर लीजिएगा। हाँ हम यहाँ पर तलेटी में जो कांच मंदिर के नाम से प्रचलित है ऐसे एक भव्य मंदिर भोलेनाथ भगवान की जय। इसलिए आप दो कैमरे का बन सक रहा है आप अवश्य ले। 67 नंबर का जिन मंदिर श्री महावीर भगवान का। जय बोले शासन है भगवान महा।
सुशोभित यह मंदिर है। के अतिशयता के ऊपर यह अजितनाथ भगवान की जय। हम यहाँ कांच मंदिर में अजितनाथ भगवान की वेदी पर हैं। हो रहा है उनका शुभ चंद्रा मुनिराज द्वय भाई थे एक ही पर्याय में। एक तो निर्गंथ दिगम दीक्षांगीकार की और जैन शासन के आराधना आराधक दिगंबर मुनि बन गए शुभ चंद्राचार्य, और दूसरे भरत हरि ने भी तप आराध दिगंबर का भी धारण किया। और एक में पंडित हो जाती थी, तो ऐसा लगा कि आज 12 वर्ष बीत गए हैं, मेरे भाई ने भी नग्न दिगंबर दीक्षा अंगीकार की थी, ना जाने कहां होगा। तो उन्होंने पता किया और अपने शिष्यों को भेजा वह रसायन लेकर। तो वह यही क्षेत्र था जहां पर शुभ चंद्राचार्य मुनिराज ने आराधना की थी, तपस्या रत थे। और जब वह यहाँ पर लेकर के वह चीज आए, रसायन लेकर आए, तो देखे कि नग्न दिगंबर अवस्था है। तो मन ही मन बड़ा उन्हें लगा कि एक भाई के पास इतना अच्छा सिद्धि प्राप्त है और एक बिल्कुल निर्गंध और गरीबी में है। आइए पहले हम देखते हैं 68 नंबर का जिन मंदिर। हाँ जी, भगवान महावीर स्वामी की जय हो। ये बोले शासन नायक भगवान महावीर प्रभु की जय हो। और इस तरह जब वह रसायन लेकर शुभचंद्र आचार्य के पास में आए, तो शुभचंद्र आचार्य ने उस रसायन को लिया नहीं और उस रसायन की चर्चा जब उनके शिष्यों ने बताई कि ये हम आपके हमारे गुरु जो है भर्तृहरि उन्होंने भेजा है और आपके लिए पहुंचाया है, आप इस रसायन का प्रयोग कर इस पूरे जो यहाँ पर है पर्वत में किसी भी पाषाण पर डालेंगे तो स्वर्ण का हो जाएगा। उन्होंने वह रसायन के पात्र को लेकर भूमि पर रख दिया, पटक दिया, घड़ा फूट गया, रसायन बह गया। तो शिष्यों ने जाकर के अपने भर्तृहरि जो गुरु थे उनसे कहा, आपके भाई का हाल तो बहुत खराब है, अब तो वैसे तो बाहर से तो नग्न हो ही गए हैं, कुछ बचा तो है नहीं, पर बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। आपका इतना कीमती रसायन उन्होंने जमीन में फेंक दिया। और यह बात सुनकर भर्तृहरि को थोड़ा करुणा भी आई, हो सकता है प्रतिकूलताओं में ऐसी बुद्धि लोगों की हो जाती है। उन्होंने सोचा स्वयं ही मैं चलूं और लेकर के आऊं, और उन्होंने लाकर के वह पूरा रसायन का घड़ा रखा शुभ चंद्राचार्य के पास और कहा, हे भाई इससे तुम तो अपनी दरिद्रता दूर कर लो। लेकिन शुभ चंद्र आचार्य ने बोला कि यदि इसी के लिए हमें अपना राज्यपाट छोड़ना था, इसी सुख वैभव विलासिता की वृद्धि के लिए, तो फिर वह राज्य महल में कम कहा था। आदिनाथ भगवान के दर्शन करते हैं। 69 नंबर का मंदिर है, 69 नंबर का जिन्हें बहुत ही सुंदर प्राचीन प्रतिमाएं। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय हो। और शुभ चंद्राचार्य ने वह पूरा घड़ा जो लाए थे उसे भी पटक दिया। भर्तृहरि को लगा मेरी 12 वर्ष की तपस्या चली गई। शुभ चंद्राचार्य कहते हैं, यदि यही करना था तो घर में कहां कमी थी, वह राजपाट क्यों छोड़ा, यदि मार्ग सुख इसी का था तो फिर वहीं रहना था। हाँ भाई सचिन जी, जी थोड़ा सचिन जी क्या वॉइस नेटवर्क नहीं आ रहा है, मैं अपनी बात पूर्ण करके और दर्शन कराते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। और अंततः शुभचंद्र आचार्य ने वहीं पड़ी हुई एक धूल जो थी उनके जहां उन्होंने ध्यान आराधना कर रहे थे, उस धूल को उठाकर शिला पर फेंकी और यह पूरी शिला ही
कि वो पूरी की पूरी शिला जो है वो स्वर्ण में परिणत हो गई और तब से इस क्षेत्र को सोनागिर क्षेत्र कहा जाता है। ये सारी में कोई स्वर्ण हो गई भोग साधन इकट्ठी आराधन करके अपने क्योंकि वो एक शिला है जो कि उस पे आवाज हेलो। हाँ जी, मेरी आवाज आती है रमेश जी? भाई साहब आइए, हम सभी अंतिम चरण में हैं तीर्थ वंदना के 72 नंबर का जिन मंदिर भाई ऋषभ जी यात्रा दर्शन करके यहाँ बैठे हुए हैं। पार्श्वनाथ भगवान का जिन मंदिर है, दर्शन लाभ प्राप्त करें। जय पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। जय बहुत सुंदर यहाँ पर प्रतिमाएं हैं, भगवंतों की प्राचीन प्रतिमाएं हैं। और यदि हम इस क्षेत्र को यहाँ से देखें तो आप पुनः देखेंगे चारों दिशाओं में सिर्फ जिन मंदिर ही जिन मंदिर, ये दर्शन का लाभ हमको यहाँ से प्राप्त होता है। जय बोली सोनागिर जी सिद्ध क्षेत्र की जय हो। जय हो। जय हो।
और आइए 73 नंबर के जन्म मंदिर की ओर शीघ्रता से बढ़ते हैं। किसी को यह भी लग सकता है इतनी शीघ्रता से दर्शन हो रहे हैं, निश्चित ही जब अपने घर जाने की जल्दी हो तो ऐसा भाव होता ही है। ऐसे हे प्रभु मैं निज आत्म कब ध्याऊं और निज घर में कब आऊं, पर घर फिरत बहुत दिन बीते नाम अनेक धराए, हम निज घर कब आएं, आपके दर्शनों से यही भावना भाते हैं। आइए हम पहुंच गए नेमिनाथ भगवान के जनाले में, 73 नंबर का जन मंदिर। जय बोली नेमिनाथ भगवान की जय हो जय हो। देख प्रभु की शांत मुद्रा कली कली खिल जाती है, देख प्रभु की शांत मुद्रा कली कली खिल जाती है, दर्शन पूजन को आया पर आंख बंद हो जाती है। और इस तरह से आगे की ओर हम सीता से बढ़ रहे हैं। शेष 3 से 4 मंदिर हैं जो कि इस पर्वत पर अभी हमें दर्शन का लाभ मिलेगा। रोम रोम से निकले प्रभु वर नाम तुम्हारा। पदमंकल का नंबर पदमंकल का नंबर तो लगा लो, कुछ बात कर। रोम रोम से निकले प्रभु वर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा, ऐसी भक्ति करूं प्रभु की पाऊं न जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभु वर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा, अरहंतों को जाना आत्म को पहचाना। एक भव्य जन्म मंदिर की ओर हम बढ़े हुए हैं, आगे आ गए हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं जन्म मंदिर नंबर 74 संभावित, हाँ जी 74 नंबर जन्म मंदिर पर हम हैं। ये भी कुनकुन कहांति सुरक्षा ट्रस्ट मुंबई के सहयोग भावना से इस सुंदर मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और बहुत ही अच्छा प्राचीन मंदिर। शेषाशनायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। और इसी मंदिर की एक वेदी में हम आते हैं, पुनः एक भावी भगवान महावीर स्वामी की बहुत छोटी सी पाषाण की खड़गासन मुद्रा वंत प्रतिमा। और दाहिने तरफ पार्श्वनाथ भगवान, जय पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। और मंदिर परिसर में और भी प्रतिमाएं हैं, ये भी पार्श्वनाथ भगवान की सुंदर वेदी। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा ओ जी संकट हमारा, निस दिन तुमको जपूं पर से ने हाथ जू जीवन सारा, तेरे चरणों में बीते हमारा। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। और आप देख पाएंगे यहाँ पुनः एक और जिन मंदिर शांतिनाथ भगवान के, क्योंकि गेट बंद है इसलिए बाहर से ही दर्शन करेंगे। जबली शांतिनाथ भगवान की जय। और बस अंतिम एक दो जिन मंदिर की ये मंगल वंदना के साथ ये पूरे पर्वत की संपूर्ण जनालयों के दर्शन हमें प्राप्त हो जाएंगे।
देखिए एक बहुत मंदिर और अंदर एक छोटा सा रास्ता। जहाँ पर भगवंतों के दर्शन अलाभ हमें प्राप्त हो रहा है। पार्श्वनाथ भगवान की बहुत बड़ी प्रतिमा है, लगभग 4 फीट की यह प्रतिमा दिखने में आती है। और 75 जिन मंदिरों के दर्शन अभी हो चुके हैं, यहाँ 2 जिनालय और पर्वत के शेष हैं, जो कि उतरते क्रम में हमें अभी यहाँ नीचे दिखने मिलेंगे। आप देख सकते हैं ये पूरा ही क्षेत्र, अभी ये तलहटी के दर्शन आपको हो रहे हैं। ये पूरा ही क्षेत्र सिर्फ जिन मंदिर ही जिन मंदिर है, यहाँ और कुछ आपको दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगा। सारा क्षेत्र जो सभी आगे प्रभु से तो है लागी लगन नहीं तोड़ना, प्रभु से मोहे लागी लगन नहीं छोड़ना, छोड़ना नहीं छोड़ना नहीं छोड़ना। हाँ भाई ऋषभ जी बता रहे हैं ये क्षेत्रपाल जी का रास्ता है, ये भी जिन शासन के बदौलत हमारी यात्रा जी ये भी जिन शासन के ही वीतरागी भगवंतों के दास हैं। जगत इस बात को नहीं जान पाता, जैसे हमें भक्ति का भाव आता है ऐसे ये भी देव हैं, इन्हें भी भक्ति का भाव आता है। देखा जाए तो ये हमारे मिथ्यात्व अवस्था में जो जीव पड़े हुए हैं उनकी भी ऐसी अवस्था है, और ये भी सच्चे सुख के मार्ग के लिए चलते हैं। आइए हम सभी 75 नंबर और 76 नंबर 2 जिनालय ये नीचे आके आ गए हम 75 नंबर के जिन मंदिर में। मात्र 2 मंदिरों के दर्शन प्राप्त कर सोनागिर पर्वत की पूर्ण वंदना हमारी हो चुकी होगी। जवली चंद प्रभु भगवान की जय हो, जवली चंदा प्रभु भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। और ये है 76 नंबर का जिन मंदिर, यहाँ भी चंद प्रभु भगवान ही विराजते हैं। चैत अशित पंचमी चय वेज यंत दे इंद्र उदर सुलक्षणावतरे जजु त्रिविध गुण वंद। और एक छोटी सी वेदी में आप देखेंगे 3 में आदिनाथ भगवान, भगवान महावीर स्वामी है और चंद्र प्रभु, इस तरह यहाँ का दर्शन लाभ प्राप्त किया। और आइए सोनागिर सिद्ध क्षेत्र में। हाँ जी ये अभी आपने देखा होगा, भाई सचिन जी ने भी अवलोकन आपको कराया था। ये यहाँ की पुरातात्विक धरोहर के रूप में जो प्राप्त हुई थी प्रतिमाएं और अवशेष खंडित प्रतिमाएं आदि हैं, निश्चित ही जैन दर्शन की प्राचीनता की उद्घोषक है। जैन दर्शन कितना प्राचीन था ऐसा यह प्रतिमाएं और अवशेष यहाँ पर रखे हुए हैं। मात्र भगवंतों के दर्शन मात्र सही जब हमें आनंद होता है और थकान नहीं लगती, तो जब आत्म स्वरूप को लक्ष्य में ले और संसार भव बंधनों से मुक्त हो, तो सारे संसार की जो अभी कर्तृत्व बुद्धि की थकान है वह नष्ट हो जाती है। आइए अंतिम मंदिर का दर्शन इस पर्वत का करने का हम सौभाग्य प्राप्त करें। की जय हो। और अंतिम जिनालय इस पर्वत का चलिए। और ये 77 नंबर का अंतिम जैन मंदिर, जवली शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो। आप
महावीर प्रभु भगवान आयो दर्शन मारी विनती सुनो भगवान आयो दर्शन को दर्शन को वंदन को मारी विनती सुनो भगवान आयो दर्शन को। और इस तरह से सोनागर सिद्ध क्षेत्र की मंगलमय वंदना यहाँ पूर्ण हुई। आप सभी का उत्साह और सभी की मंगल भावनाओं से यात्रा हमारी पूर्ण होती है और अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे अपने गृहनगर छिंदवाड़ा की ओर। आप सभी की भावनाओं से यह यात्रा क्रम चलता रहे, ऐसी पवित्र भावना रखते हैं। आप अपने नगरों के जिन मंदिरों के भी दर्शन कराने का प्रणाम रखते हो तो अवश्य हमें सूचित करेंगे, वीडियो बनावे, ऑनलाइन भेजे। हम सांस्कृतिक रूप से सोचते हैं कि एक ऐतिहासिक धरोहर जैन शासन का इतिहास रहे, आगे की पीढ़ी भी इन जैन मंदिर और संस्कृति को परिचित रहकर आत्म कल्याण की भावना से जुड़ी रहे। इसी पवित्र भावना के साथ सभी साधर्मियों को जय जनन जय बोले। सोनागर जी सिद्ध क्षेत्र की जय हो। रात्रि का स्वाध्याय तो लगभग विराम है, लेकिन आप और हम सभी कल प्रातः काल पुनः तीर्थ क्षेत्र की एक मंगलमय वंदना के साथ में संगीतमय भक्ति के साथ में जुड़ेंगे। इसी पवित्र भावना से सभी साधर्मियों को पुनः पुनः जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय बोले अनंत अंश प्रविष्टि भगवंतों की जय हो।